माध्यम से अपने संसदीय अकबरपुर कानपुर उत्तर प्रदेश में रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के निर्माण कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले भारी वाहनों के आवागमन के चलते खराब हुई सड़कों को पुनः निर्माण के संबंध में माननीय मंत्री जी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद कानपुर देहात एवं कानपुर नगर में रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के निर्माण कार्य में निर्माता कंपनियों के द्वारा माल ढुलाई में भारी वाहनों का प्रयोग किया जाता। उक्त वाहनों से रेल पटरियां, बालू, मिट्टी, गिट्टी आदि की सामान ढुलाई की जाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कें पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जनपद कानपुर नगर एवं कानपुर देहात के लगभग सभी सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण दर्जनों ग्रामों के राहगीरों एवं दर्जनों क्षेत्रवासियों का आवागमन दूभर हो गया एवं विगत में कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। उक्त सड़कों के पुनर्निर्माण संबंध में मेरे द्वारा विभागीय अधिकारियों से वार्ता की गई, जिस पर जनपद कानपुर नगर एवं देहात के लोक निर्माण के विभाग अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया। उक्त सड़कों के निर्माण में उक्त संबंध की योजना द्वारा निर्माणाधीन DFCCL के द्वारा को कई पत्र प्रस्तुत किए जा चुके एवं प्राकलन भी धन आवंटित किए जाने की अपेक्षा की गई, किंतु उक्त निर्माण कंपनी के द्वारा अभी तक धन आवंटित किए जाने कार्रवाई न किए जाने का आज तक उक्त सड़कों निर्माण नहीं हो पा रहा, जिससे राहगीरों, क्षेत्रवासियों, आम जनता को अत्यधिक परेशानी हो रही। महोदय, इस स्थिति को मैंने अपनी लोकसभा क्षेत्र में वरन कई जनपदों की समस्या जूझ रहे उक्त संबंध में मैंने माननीय रेल मंत्री जी और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से भी लिखित और स्वयं मिलकर के अवगत कराया। अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन है, चाहूँगा उक्त ग्रामीण क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण कार्य में कराए जाने के संबंध में निर्माणकर्ता कंपनी को धारा आवंटित एवं उन सड़कों का पुनर्निर्माण कराए जाने की कार्रवाई कराने का कष्ट करें। श्री मोहम्मद जावेद जी।